हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज गजेट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, बहुत बार आपने फिश बूस्टर के बारे में जरूर सुना होगा। तो आखिर फिश बूस्टर होता क्या है, ये मछलियों को कैसे फायदा पहुंचाता है, और कैसे आपको अपने तालाब में कुछ मात्रा में फिश बूस्टर अपने खाने में जरूर मिला करके खिलाना चाहिए। देखिए, फिश बूस्टर में उसका अगर कंटेंट को अगर आप चेक किया जाए कि क्या क्या उनमें उस पाउडर में चीज होती है, तो उसमें दोस्तों दो से तीन चीज होती है। पहला तो होता है विटामिन्स में आप B1 B2, है ना, विटामिन्स बहुत ही हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है, उसी प्रकार मछली के शरीर के लिए भी विटामिन्स जरूरी होता है। उसमें होता है मिनरल्स कंटेंट, है ना, अच्छे आयन्स होते हैं उसमें। तीसरा उसमें होता है अमाइनो एसिड दोस्तों आपके मछलियों के वेट गेन करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। अमाइनो एसिड एक प्रकार की प्रोटीन ही है ना। प्रोटीन का जो अगर आप तोड़ के देखेंगे तो वो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। तो इस वजह से अगर आप एक अलग से सप्लीमेंट के रूप में अगर अपने खाने में आप फिश बूस्टर डालते हैं तो वो मछलियों के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। तो ये तो हुई कि क्या क्या चीजें उस फिश बूस्टर में उपस्थित होती हैं, है ना, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, आपके अमाइनो एसिड हो गया, है ना, गुड फैट हो गया, वो सारी चीजें आपके फिश बूस्टर में उपस्थित होती है। बहुत बार एंजाइम्स भी उसमें उपस्थित होता है। एंजाइम क्या करता है, आपके पाचन शक्ति को बढ़ाता है। खाने को अच्छे से पचाने के लिए हम लोगों को एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, तो पाचन शक्ति बढ़ जाती है जिससे मछलियां ज्यादा खाना शुरू कर देती हैं और वेट गेन जल्दी होता है। तो ये भी बहुत बार फिश बूस्टर में एंजाइम्स से मिला हुआ होता है ना। अब बात करते हैं यार इससे फायदा क्या है। देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर अपना वेट बढ़ाना है तो हम लोग सप्लीमेंट्स खिलाते हैं उसको, है ना। सप्लीमेंट्स में पाउडर हो गया, सप्लीमेंट पाउडर आपने देखा ही होगा, है ना, पाउडर जो डब्बा में आता है। उसी प्रकार अगर मछली के भार को अगर आप जल्दी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए फिश बूस्टर बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। फिश बूस्टर आपके मछली के FCR को घटा देता है। FCR का मतलब आपको पता ही होगा कि अगर आप मछली को कम खाना में ज्यादा भार अगर उसको ग्रहण कर लेती है, मान लीजिए उसको आप खाना खिला रहे हैं 700-800 ग्राम, मछलियां बढ़ जा रही हैं 1 किलो 1.5 किलो, तो इससे ये होगा कि आपका फीड कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और अल्टीमेटली मछलियां बहुत ही अच्छे तरीके से कम समय में ज्यादा भार ग्रहण कर पाएंगी। उनका बॉडी मास है वो जल्दी बढ़ेंगी, है ना, जो वेट होता है वो जल्दी बढ़ेंगी, जिससे अल्टीमेटली ये होगा कि आपका कल्चर पीरियड शॉर्ट हो जाएगा, आपका जो दाना में जो खर्च लगने वाला था वो कम हो गया और मछलियां कम समय में ज्यादा भार ग्रहण करके आप अपने कल्चर पीरियड को शॉर्ट कर पाते हैं और मछलियों को जल्दी आप तालाब से निकाल पाते हैं। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि आपको अपना दाना खर्च बहुत ही मिनिमम हो गया और फायदा बहुत ज्यादा हो गया, है ना। तो ये फिश बूस्टर डालने के फायदे हैं। दूसरा, जिस तालाब में दोस्तों फिश बूस्टर का प्रयोग किया जाता है उसका जो फ्लैश क्वालिटी है, जो मीट की जो गुणवत्ता है दोस्तों, वो बहुत अच्छा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जिस तालाब में फिश बूस्टर डालते होंगे उस तालाब की मछलियों का जो चमक है दोस्तों वो अलग प्रकार का दिखाई देता है। उसमें जो साइन है वो एकदम से अलग आपको दिखाई देता है, जिससे आपके जो ग्राहक हैं वो आपकी मछलियों को जल्दी पसंद करते हैं और जो बड़े बड़े जो थोक में जो लोग मछलियाँ खरीदते हैं वो बहुत ही अच्छे से उस मछली को प्रिफर करते हैं खरीदने के लिए। कोचिया लोग भी बहुत अच्छे से उस मछली को ज्यादा प्राइस में खरीदते हैं। मान लीजिए अगर आपकी IMC मछलियां 130 रुपए में बिक रही होंगी आपके साइड, तो उसको अगर आप 150 रुपए में भी थोक के भाव में बेचेंगे तब भी आप वहां मछलियां आपकी खरीदी जाएंगी, क्योंकि आपकी मछलियों में एक शाइन है, मछलियां आपकी ज्यादा गुड लुकिंग है और लुक के हिसाब से भी हम लोग मछलियों को प्रेफर करते हैं खाने के लिए। अगर आपका जो मछली का जो शाइन है वो डल है, अजीब टाइप का दिखाई दे रहा है, तो आप उसको नहीं खरीदोगे, लेकिन अगर आपकी मछलियों में शाइन है, एक चमक है, तो डेफिनेटली आप उस मछली को खरीदोगे। तो अच्छा दिखने से भी आपकी जो सेल है, जो मछली का जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। तो इस वजह से फिश बूस्टर के प्रयोग करने से आपकी मछलियों का जो शाइन है, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा दिखाई देता है, जिससे कस्टमर है वो ज्यादा आपकी मछलियों को खरीदने के लिए आपको वो ट्राई करेगा, है ना। उसके अलावा मछली को भार ग्रहण करने में भी आपका फिश बूस्टर बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है, क्योंकि अल्टीमेटली मछलियों का जो खाने का जो इसमें फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो बढ़ जाती है। आपकी मछलियां मान लीजिए एक दिन में 100 ग्राम खाना खा रही हैं, तो फिश बूस्टर डालने से दोस्तों वो 120 ग्राम 150 ग्राम तक खाना खाएंगी।
तो इस प्रकार अगर आप चीजों को अच्छे से एनालाइज करेंगे और फिश बूस्टर को प्रयोग करने से पहले आप मछलियों का भार ले लीजिए, है ना, उसका एफसीआर ले लीजिए, उसके बाद आप एक महीना फिश बूस्टर का प्रयोग करिए, फिर देखिए कि मछलियों ने कितना भार ग्रहण किया है, मछलियों का फीड इनटेक कितना घटा है, उन चीजों को आपको देखना है, एफसीआर कितना घटा है, भार कितना ग्रहण किया है, इन सभी को अगर आप एनालाइज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि फिश बूस्टर आपको जरूर अपने तालाब में यूज करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जो फिश बूस्टर होता है दोस्तों वो ऑर्गेनिक चीजों से मिलकर बना है, ये नहीं कि आपको अलग से उसमें कुछ एंटीबायोटिक मछलियों के शरीर में जा रही है। एंटीबायोटिक मछलियों के शरीर में अगर पहुंच जाती है तो बहुत बार वो जब आप उस एंटीबायोटिक युक्त मछली को खाएंगे ना तो वो ह्यूमंस के लिए, आदमियों के लिए उतना अच्छा नहीं होता वो मछली। तो इस वजह से जो हम फीस बूस्टर प्रयोग करते हैं वो ऑर्गेनिक होता है ना, उसको जो प्राकृतिक रूप से उपस्थित चीजें हैं उन्हीं से निकाल करके उसमें चीजों को डाली जाती है। तो इस वजह से आपको अलग से उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स उसमें नहीं होते, जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें हैं उसी को फीस बूस्टर में डाला जाता है। इस वजह से फीस बूस्टर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और इसको डेफिनेटली आपको अपने मछलियों को खाने के रूप में खिलाना ही चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार की सप्लीमेंट है जो मछलियों को भार ग्रहण करने में बहुत मददगार साबित होती है। जिस प्रकार से बॉडी बिल्डर लोग भार ग्रहण करने के लिए पाउडर्स खाते हैं, उसी प्रकार एक प्रकार की पाउडर ही है जो मछलियों को भार ग्रहण करने में मददगार साबित होती है। तो किसान भाइयों, अगर आप चीजों को डेप्थ से जानेंगे तभी आप चीजों को अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। तो मेरा काम है कि आपको अच्छे से चीजों को समझाना और आपको ऐसे प्रोडक्ट को समझाना जो आपको हेल्प साबित होगी, है ना, आपके लिए मददगार साबित होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।